नमः शिवाय। आज श्रवण नक्षत्र में जन्म होने से जातक कृतज्ञ, सुंदर, आकर्षक, ज्ञाता, सर्वगुण संपन्न, धनवान और विख्यात होते हैं। धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं। अमावस्या होने के कारण ऐसे बच्चों के आँखों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अब आपकी राशि से मंगल आठवें चल रहे हैं। राहु की दृष्टि बनी हुई है। अपनी दिनचर्या को नियमित करें। कार्य व्यवसाय की सक्रियता प्रभावित हो सकती है। नौकरी करने वाले जातक वाद विवाद से बचें। अधिकारियों का सहयोग कम हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी से पहल करें। अनुकूलता के लिए ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें। पहले से आप आज अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति बनी हुई है। आज पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल महसूस होगा। कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। व्यावसायिक रूप से सकारात्मक समय चल रहा है। मित्रों और सहयोगियों से अनुकूलता बनी हुई है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। प्रयास सार्थक होंगे। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। धन संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। अचानक लाभ मिलने के योग हैं। मित्र सहयोगियों का दिशा निर्देश आपके लिए लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आज समय अनुकूल है। गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें या गाय को हरा चारा खिलाएं, अनुकूलता मिलेगी। पूरा दिन परिवार के साथ आज हर्षोल्लास में बीतेगा। मांगलिक कार्यों में समय बीतेगा। मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। व्यावसायिक संतुष्टि महसूस होगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आज के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपके रोग भाव में इस समय चार ग्रह मौजूद हैं। सूर्य, चंद्र, शुक्र और केतु। हल्का और जल्दी पचने वाला खाना खाएं। पारिवारिक सुख संतुष्टि बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं को बल मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। विरोधियों से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है। ओम घड़े सूर्याय नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। आपकी पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके प्रयास सार्थक होंगे। मित्रों या सहयोगियों से उपहार मिल सकता है। गृह उपयोगी वस्तुओं या नया वाहन खरीदने का योग बना हुआ है। आर्थिक पक्ष मजबूत है। नई कार्य योजनाओं को कल पर ना टालें। माँ दुर्गा की आराधना करें। तुला राशि वाले जातक ठंड से बचें। सांसों से संबंधित तकलीफ बढ़ सकती है। मन चिंता और आशंकाओं से भरा रहेगा। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। फिर भी धन संबंधी मामले में अनुकूलता मिलेगी। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय थोड़ा धीमा हो सकता है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को मानसिक दबाव और काम में रुकावट का दौर अभी चलता रहेगा।
आपकी राशि पर मंगल के आने से थोड़ा सुधार होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति का दबाव अभी बना हुआ रहेगा। अभी धैर्य बनाकर रखें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धार्मिक रुचि बढ़ेगी, प्रयास कुछ हद तक सार्थक होंगे, मित्र सहयोगियों से सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी अनुकूलता आज मिलेगी। हनुमान चालीसा या ओम हन हनुमते नमः का मानसिक जप करें, अनुकूलता मिलेगी। व्यर्थ के वाद विवाद में हस्तक्षेप ना करें, धैर्य बनाकर रखें। कुछ अच्छे कामों में या बच्चों पर खर्च का योग बना हुआ है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। धन संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा। वाद विवाद या मुकदमे के मामले में सावधानी रखें। मसूड़े या गले से संबंधित संक्रमण की संभावना है। हनुमान जी की आराधना करें और पीपल के पेड़ में जल डालें, अनुकूलता मिलेगी। आज भी आपकी राशि पर चार ग्रह मौजूद रहेंगे, सूर्य, केतु, चंद्र और शुक्र। धैर्य और सूझबूझ से काम लें। मन में अकारण चिंता व्याप्त रहेगी। ससुराल या पत्नी पक्ष से मानसिक चिंता बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का अधिकारी से पूरा सहयोग मिलेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोर्ट कचहरी के मामले में सहयोग मिलेगा। हनुमान जी की आराधना करें या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का समय आपके लिए अत्यधिक अनुकूल है। जो काम, जो नई कार्य योजनाएं सोचे हैं, उसको प्रयास करके पूरा करें। व्यवसाय संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कुछ अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों का सहयोग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मामले में भी अनुकूलता बनी हुई है। प्रयास करें, सफल रहेंगे। आज के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी करें। आज मानसिक और शारीरिक दबाव कुछ बना रहेगा। मन में थोड़ी उलझन चलती रहेगी, मगर भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। व्यवसाय संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। पहले से जो काम रुके हुए थे, प्रयास करें, वह पूरे होंगे। कोर्ट कचहरी या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल हो गया है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। केले के पौधे में जल डालें या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।